मोहम्मद आमिर, जिनको खेलते हुए विराट कोहली जैसे प्लेयर को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आखिर वो क्यों 28 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था? और क्या पीसीबी के चेयरमैन पद से रमेश राजा जाने के बाद आमिर अपना रिटायरमेंट वापस लेंगे? मोहम्मद आमिर 7 जून 2009 को सिर्फ 17 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में पाकिस्तान टीम में डेब्यू किया। अच्छे प्रदर्शन के चलते उनको 2009 टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया था। पाकिस्तान 2009 टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बने और मोहम्मद आमिर को भी दुनिया के सबसे होनहार तेज गेंदबाजों में से एक माना जाने लगा था। लेकिन 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ चौथी टेस्ट मैच के दौरान स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के कारण आईसीसी द्वारा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंध के अलावा ब्रिटेन की अदालत ने आमिर को 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई। 5 साल बाद 2016 में आमिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की और अपने प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान को 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आमिर 2019 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद से टीम मैनेजमेंट और पीसीबी के साथ उनका रिश्ता खराब होते गया। आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी पर आरोप लगाते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि सीनियर टीम मैनेजमेंट ने उनका मानसिक शोषण किया था, जिसके चलते आमिर ने साफ कह दिया था कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट के साथ वो नहीं खेल सकते और फाइनली 17 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आमिर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो आमिर ने सितंबर 2016 में ब्रिटिश नागरिक नरगिस खान से शादी की, जिस वजह से आमिर के पास यूके रेसिडेंस कार्ड भी है। उनकी दो बेटियां हैं, मिंसा आमिर और जोया आमिर, दोनों ब्रिटिश है, ब्रिटेन में रहकर ही पढ़ाई करती है।